हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत और टीम का रैप अप। तो मेरी जो 10 की टीम है आपके स्क्रीन्स पे आएगी और शुरू करेंगे एलटीएम माइंड्री के साथ। अच्छा क्वार्टर रहा है मजगांव डॉक। बोर्ड मीटिंग है अगले हफ्ते जहां स्टॉक स्प्लिट को कंसीडर किया जाएगा, तो ये ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा जोमैटो एक सरप्राइज फंड रेजिंग है बोर्ड मीट के साथ, तो कहीं ना कहीं बाजार को ये डाइल्यूशन पसंद नहीं आ रहा, रेड में लेके चल रहा हूँ। टानला प्लेटफॉर्म्स, शेमारू और नेस्ले, इनके कमज़ोर क्वार्टर आए हैं और नेस्ले में तो ब्रोकरेजेस ने टारगेट भी काटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब स्टॉक्स रेड में लेके चल रहा हूँ। हालांकि M&M फाइनेंस ब्रोकरेजेस के रडार पे है, MK ने आज यहाँ टारगेट बढ़ाया है, स्टॉक को अपग्रेड किया है, इसके लिए इसको हरे में लेके चल रहा हूँ। और जो चाइनीज़ GDP डेटा आया है वो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि चाइनीज़ बैंक्स ने डिपॉजिट रेट्स काटे हैं और सेंट्रल बैंक ने रेट कट पे जोर दिया है, जिसके कारण मेटल स्टॉक्स नालको, वेदांता, टाटा स्टील फोकस में रहेंगे। 10 की टीम आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला, हो सकता है मेरी रात अच्छी नहीं गई थी, लेकिन मैंने सब लाल कर दिया आज और सबके वैलिड रीजंस थे। खैर, आप लोग टटोलिएगा। विप्रो, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, सीएट, पॉलीकैप, टाटा केमिकल्स, MGL, IGL, गुजरात गैस और मणप्पुरम फाइनेंस।